met fantastic people. तो क्या आप फिलहाल ये सोच रहे हैं कि यू नीड टू कीप अ डॉग, क्या आप एक डॉग रखना चाह रहे हैं, क्या आप एक कैट रखना चाह रहे हैं, या यू आर थिंकिंग इन टू वेंचरिंग इन पेट कीपिंग? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस यू नीड टू डेफिनेटली नो बिफोर यू डिसाइड टू कीप अ डॉग और अ कैट. रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड पारुल से मेरी बात हो रही थी एंड शी टोल्ड मी दैट द फैमिली वॉन्ट्स टू कीप अ डॉग, बट बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अराइज हो रहे हैं जिसकी वजह से सब लोग कन्फ्यूजन में हैं. एंड आई एम 100% श्योर कि यही क्वेश्चन हैं जो आपके मन में भी अराइज होते होंगे जब आप सोचते होंगे अबाउट कीपिंग अ डॉग और अडॉप्टिंग अ डॉग. एंड कहीं ना कहीं उस वजह से जो ये डिसीजन है ये डिले हो जाता है. गाइस, दिस इज अदिति एंड वेलकम टू माय क्लिनिक जीवियोलॉजी. एंड यहाँ पर हम जीवियोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे अडॉप्शंस के बारे में, बाइंग के बारे में, पेट कीपिंग के बारे में एंड बहुत सारे अदर पेट रिलेटेड स्टफ के बारे में. फन फैक्ट, डू यू नो एनिमल्स को रेकी हीलिंग के थ्रू भी ट्रीट किया जा सकता है? बट फिलहाल दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ द वीडियो. द टॉपिक ऑफ द वीडियो टुडे इज हैव यू आस्क्ड दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ बिफोर गेटिंग अ डॉग. फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ बिफोर यू गेट इनटू बाइंग अ डॉग इज कैन यू अफोर्ड अ डॉग, और लेट मी फ्रेज इट अदर वे, व्हाट इज योर बजट. यूजुअली डॉग्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम अ रेंज ऑफ अराउंड 7,000 to 8,000. ऑल्सो बिफोर बाइंग अ डॉग यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि क्या आपको ये डॉग विद पेपर्स चाहिए, विदाउट पेपर्स चाहिए, क्या आप एक चैंपियन ब्लड लाइन का डॉग देख रहे हैं, या आप मतलब आपका पर्पस क्या है और आपके उसके लिए बजट क्या है, क्योंकि डॉग्स कैन रेंज अप टू 40,000 to 50,000 डिपेंडिंग अपॉन द वराइटी, द ब्रीड. सो यू नीड टू फिक्स योर बजट फर्स्ट. कहीं ऐसा ना हो कि आपका बजट कम है और आपको कोई और डॉग पसंद आ गया, जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, एंड देन कहीं ना कहीं यू नो दिल टूट जाता है, बुरा लगता है कि अरे यार सच ए क्यूट डॉग. वेरे मैं तो मानती हूँ एवरी डॉग इज क्यूट, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंट एस्क्ड क्वेश्चंस बिफोर गेटिंग अ डॉग, तो डेफिनेटली आपको अपना एक बजट डिसाइड करना बहुत जरूरी है. सेकेंड क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे, आर यू अलाउड टू कीप अ डॉग? क्या आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, या आप एक बैचलर हैं, या आप कोई कंपनी अलॉटेड फ्लैट में रह रहे हैं? तो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं या जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिए. मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि डॉग्स को या पेट्स को नहीं रखने देती, बट देर आर फ्यू पीपल जो न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप जहाँ रह रहे हैं, या जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो क्या पेरेंट्स की तरफ से आर यू अलाउड टू कीप अ डॉग? डू मेक श्योर. थर्ड और मोस्ट क्रुशियल जो क्वेश्चन है वो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप से पूछे, डू यू हैव टाइम फॉर अ डॉग? देखिए, अभी लॉकडाउन है, अभी शायद आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आई नीड अ पेट. बट जो पेट आप रखने वाले हो, जो डॉग आप रखने वाले हो, कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं जो बड़ी ब्रीड्स हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड्स हैं, उनको काफ़ी रिगरस एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है. कुछ ऐसे भी डॉग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं इमोशनली, तो उनको ज़रूरत होती है आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके टच की. तो क्या यू हैव द टाइम टू डेडिकेट टूवर्ड्स योर पेट? फोर्थ पॉइंट है, डू यू हैव इनफ पेशेंस? देखिए, एक पपी को या एक किटन को अडॉप्ट करना इज यू नो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरे हिसाब से एक पेट रखना है, बिकॉज आई बिलीव पेट आर गॉड्स ब्लेसिंग्स. बट उसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि क्या उस पपी को ट्रेन करने के लिए, क्या उस पपी की, क्योंकि इनिशियल स्टेज में पपीज कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, वो आपके शूज खा सकते हैं, आपके टीवी का रिमोट खा सकते हैं, अदर स्टफ, आपके यूएसबी केबल्स हैं, आपके फोन्स हैं, आपके कपड़े हैं, दे स्पेंड नथिंग, ट्रस्ट मी. तो क्या आप में इनफ पेशेंस है कि आप अपना जो पपी है उसको प्रॉपरली ट्रेन कर सके, उसकी ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ना इग्नोर नहीं कर सके, लेकिन इनको धीरे धीरे ट्रेन करके प्रॉपर वे में एक प्रोसीजर सेट कर सके? ऑल्सो डू यू हैव, जैसे कि इसके पहले हमने बात की थी, इनफ टाइम, इनफ पेशेंस कि उनका जो सुसु पॉटी के उनके जो टाइमिंग्स हैं वो आपको प्रॉपरली रखने पड़ेंगे? तो ये फोर्थ सवाल आपके लिए ये है कि डू यू हैव इनफ पेशेंस फॉर द डॉग? फ्रेंड्स, आपको ये भी डिसाइड करना है कि विच ब्रीड इज द बेस्ट फिट फॉर यू.
देखिए मानिए कि आप एक वन रूम किचन में रहते हैं या आपके पास उतनी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो क्या आप एक बड़ा डॉग जैसे कि जर्मन शेपर्ड रख सकते हैं, या यू शुड गो इनटू स्मॉलर डॉग जैसे कि पग हो गया या इस टाइप के, इस साइज के डॉग्स? तो आपको ये जरूर देखना है. ऑल्सो नॉट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पेस, इट्स ऑल्सो अबाउट कि क्या आप उसको उस तरीके का ट्रेनिंग दे सकते हैं, उस तरीके का वॉक दे सकते हैं, रन दे सकते हैं, क्या आप उसके साथ खेल सकते हैं उतना टाइम तक, 30 मिनट्स तक, क्या आप फिजिकली फिट हैं टू कीप अ वेरी वेरी एनर्जेटिक डॉग. तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसके पहले कि आप कोई पेट रखें, कोई डॉग रखें, आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि विच ब्रीड इज़ द बेस्ट फिट फॉर. ब्रीड के साथ साथ आपको ये भी देखना है जो कि हमारा 6th पॉइंट है, डू यू हैव इनफ स्पेस. क्या आपके घर में इनफ स्पेस है कि आप एक डॉग को वहां रख सके या कोई पेट को आप वहां रख सके, वो आपको देखना बहुत जरूरी है. क्योंकि यूजुअली कैट्स जो हैं दे लाइक टू, मतलब उतना ज्यादा थोड़ी लेजी होती है कैट्स एज कम्पेयर टू डॉग्स, बट डॉग्स अगर हैं तो एक्टिव होते हैं. तो क्या आपके पास इनफ स्पेस है कि एक डॉग को आप अपने घर में प्रॉपरली यू नो इन्वॉल्व रख सके, उसके साथ खेल सके, साथ ही साथ उसको खिला सके, उसको आप बाहर ले जा सके, आप उसको सोने के लिए उसका एक डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए, बेडिंग का एक डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए, या आपका बाथरूम जो है वो भी चलेगा. बट यू नीड टू चेक कि क्या आपके डॉग, आपके घर में उतनी जगह है जो आपके डॉग को कंफर्टेबली आप रख सके. चलिए, ये तो आपने इंश्योर कर लिया कि बेस्ट फिट ब्रीड कौन सी है, आपने ये भी इंश्योर कर लिया कि आपको घर से परमिशन है, और आपने ये भी इंश्योर कर लिया कि विच इज द बेस्ट ब्रीड फॉर यू. लेकिन क्या आपने अब तक ये इंश्योर किया है कि क्या आपका घर ये नए आने वाले मेहमान के लिए सेफ है? लेट्स से अगर आप 10th फ्लोर पे रहते हैं या 5th फ्लोर पे, 13th फ्लोर पे, वॉट एवर, और आपके पास बालकनी है, टेरेस है, तो क्या आपने ये इंश्योर किया है कि आपका जो टेरेस है, आपकी जो बालकनी है, वो आपके पेट के लिए सेफ है? बहुत बार बालकनीज में जो वर्टिकल सेक्शंस होते हैं उसमें इतनी गैप होती है कि छोटे ब्रीड या छोटे पपीज गिर सकते हैं. तो इंश्योर दैट आपका जो घर है वो किसी भी आने वाले मेहमान के लिए सेफ है, साउंड है. एंड देखिए, अडॉप्टिंग और कीपिंग अ डॉग और अ कैट इज नेक्स्ट टू हैविंग अ बेबी. तो आपको इनिशियली बहुत ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपने माचिस नीचे रखी है, यू नो, खा सकती है कोई पपी आपका. जैसे मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज में पपीज कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, तो कभी आपका कॉइन कुछ गिरा है, कोई ऐसी चीज़ गिरी है विच पपी शुड नॉट लीक, और वो उसको खाए या ये करे, तो दैट कुड बी वेरी डेंजरस, वेरी अनसेफ फॉर द पपी. एंड ऐसे केस में बहुत दिक्कत हो सकती है. तो मेक श्योर योर सराउंडिंग्स आर सेफ फॉर द डॉग. और हाँ, अब तक के सारे पॉइंट्स अगर आपने कर लिए हैं, तो क्या यू हैव यू सिलेक्टेड अ वेट? देखिए, एक वेट पहले से सिलेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप एक पपी को घर ले आएंगे, आप फर्स्ट टाइम पपी लेकर आएंगे, तो आपको पता नहीं है कुछ चीज़ें और आप स्केप्टिकल हो जाएंगे कुछ बिहेवियर्स को लेकर, तो उस वक्त योर वेट शुड बी देयर. तो आप पहले से एंश्योर कर लीजिए कि आपके एरिया में कौन से वेट हैं, कितने नज़दीक है, विच इज़ द बेस्ट वेट अराउंड, वो क्या घर पे आ सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, रेगुलर इसमें भी वो चेकअप के क्या कॉस्टिंग लेते हैं, वॉट एवर. सो यू डू अ बैकग्राउंड चेक ऑन द वेट, बट एक वेट का नंबर आपके पास 24/7 होना बहुत बहुत जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ बिफोर गेटिंग अ डॉग इज, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग अ डॉग? क्या प्रिपेयर्ड है लाइफ टाइम की मैडनेस के लिए? मतलब लाइफ टाइम नहीं, बट कुछ सालों की मैडनेस के लिए. बिकॉज ट्रस्ट मी, अडॉप्टिंग अ डॉग इज नेक्स्ट बेस्ट थिंग, और कीपिंग अ डॉग आई शुड से नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. I have been keeping dog since 21 years now. So over the period of time, I have kept German Shepherd, I have kept Lab. But अभी मेरे पास मेरी जो pet है, that is 3 years old German Shepherd female. Her name is Bella. कभी किसी video में मैं जरूर आपसे मिलवाऊंगी. मैं तो prepared थी जब मैंने सोचा था कि मैं dog रखूंगी. So mentally, physically, financially आपको ready रहना है अगर आप एक pet रखना चाहते हैं. ऑल्सो इन आपको सबसे
जो सवाल है जो बहुत बार आता है वो ये पूछना है कि अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो या अगर कोई फैमिली इमरजेंसी होती है, मान लीजिए आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, आउट ऑफ टाउन जा रहे हो, तो उस वक्त कहीं पेट बोर्डिंग है या कहाँ आप पेट हॉस्टल है जो कि अच्छा है जहाँ पे आप अपने डॉग को रख के जा सकते हैं। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। अलावा और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जैसे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो लेट अस टुगेदर ट्राई एंड स्प्रेड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ टू बाय उनके क्वेरीज थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। एंड चलिए कोशिश करते हैं कि और बहुत सारे लोग डॉग्स कैट्स को रखें, पेट कीपिंग की हॉबी को थोड़ा बढ़ाएं। एंड दिस इज ऑल व्हाट इज जीवीलॉजी अबाउट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सारे लोगों से जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि डॉग को रखना चाहिए, कैट को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। एंड जैसे मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए, और आपके कोई सवाल होंगे तो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज जल्दी वापस आऊंगी एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी पेट कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।